मित्रों, भारत के लोग भगवान राम को अपने पूर्वज मानते हैं। मूल रूप से महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य है। मित्रों, भगवान राम संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु के सातवां मानव अवतार थे। भगवान राम बुराई और अधर्म को खत्म करने और धर्म का शासन स्थापित करने के लिए इस दुनिया में आए थे। जहाँ रामायण महाभारत के बाद इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध और महाकाव्य था, वहाँ कुछ लोग इसे अभी भी एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। चलिए मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसे सच्चे प्रूफ दिखाएंगे जो बताते हैं कि रामायण कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची महाकाव्य है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे और सनातनी धर्म की जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गर्भ की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मित्रों, यदि आपने रामायण के बारे में थोड़ा भी सुना या देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब हनुमान लंका पहुंचकर पहली बार माता सीता से मिले तो उन्होंने खुद को राम के दूत में प्रकट किया और माँ सीता के डर को दूर करने की कोशिश की। लेकिन जब माता को फिर भी संदेह हुआ कि शायद हनुमान के वेश में रावण हो सकता है, तब भगवान हनुमान राम द्वारा भेजी गई एक अंगूठी और अपना विशाल रूप दिखाया। मित्रों, इसी कारण उनका पैरों की निशान वही पत्थर पर गिर जाती है। बता दें, श्रीलंका के उसी स्थान पर आज भी भगवान हनुमान जी की विशाल पैरों की निशान मौजूद है। नंबर दो, मित्रों, एक कथा के अनुसार जब रावण को हराने के बाद भगवान राम माता सीता और भगवान हनुमान के साथ अयोध्या लौटे तो भगवान हनुमान रामकोट की रक्षा के लिए अयोध्या में एक गुफा में रहने लगे थे, जो आज भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, जिसे हनुमानगढ़ी मंदिर कहा जाता है। नंबर तीन, मित्रों, जब रावण माता सीता को लंका लेकर गया तब अशोक वाटिका से पहले माता सीता को एक गुफा में रखा था, जो आज भी वहीं पर मौजूद है, जो एक सांप की तरह दिखाई देती है। और जब आप इस गुफा के अंदर जाते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं। नंबर चार, जब भगवान राम को माता सीता का पता लगा तब वे तुरंत पूरे वानर सेना के साथ श्रीलंका के लिए निकल गए, लेकिन बीच में एक विशाल समंदर ने उनकी रास्ता रोक दी। मित्रों, जिसके बाद जब पूरी वानर सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम लेकर उसे पानी में फेंकने लगे तो पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे, जिसके मदद से वानर सेना श्रीलंका तक एक फूल बनाया, जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। नंबर पाँच, जिन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ था वे पत्थर आज भी वहीं पर मौजूद है। मित्रों, जब इन पत्थरों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वे सारे पत्थर 7000 साल पुराने हैं और रामायण भी लगभग उसी समय हुआ था। जब पत्थरों को पानी में छोड़ा गया तो पत्थर आज भी रामायण काल की तरह पानी में तैरने लगते हैं। नंबर छह, मित्रों, जब रावण माता सीता को हरण कर लंका ले गया तो वे माता को अपने महल ले जाना चाहता था, लेकिन जब माता ने महल में जाने से मना कर दिया तब रावण ने माता को अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया, जहाँ माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठा रहती थी। लेकिन मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक वाटिका के वे वृक्ष आज भी श्रीलंका के अशोक वाटिका में मौजूद हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हम इसे तमाम सनातनी जानकारी वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए इसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गर्भ की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।